मुफ्ती चमन जमान साहब जी जी अर्ज कर रहा हूँ। मोदी साहब क्या हाल है, तबीयत से ठीक है जी? अल्लाह फजल है। मोदी साहब आपका बयान सुना था जी लायलपुर में जी जी, उसके बाद जी आज उनकी तरफ से कुछ कोई वीडियो भी आई है शायद इमरान जिलानी की तरफ से जी। ठीक है, आप तक पहुँची है जरूर वो? शायद इमरान कौन है, शायद इमरान का की वीडियो मैं देखूं मैं सुनूं, उसे आपको क्या लेना देना और मुझे क्या लेना देना? शायद इमरान वही है कि कल तक जिससे तुम रब्ता करते रहे और हजरत किबरा इमाम जलाली जीद अशरफ हूँ से बात करने के लिए मुझे बार बार कहते रहे, मुझसे दरखास्त करते रहे, मैं वही शायद इमरान हूँ जो अपनी तहरीरों में मेरा नाम लिखते थे। और जनाब ने यह भी लिखा कि उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था, उनका रहना बड़ा अच्छा था और इपनाइत से भरपूर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ये है कि हम जिससे बात करते हैं इखलास से करते हैं, हमारे अंदर मुनाफकाना पन नहीं है। और रही ये बात कि जनाब मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, और ना ही मुनाजरा की तारीफ में, ना ही उसूल मुनाजरा में और ना ही फन मुनाजरा में। यह कोई शर्त है कि फरीकैन पहले एक दूसरे को जानते हो और उनकी आपस में कोई जानकदरी हो और आपस में उनका कोई ताल्लुक हो तो फिर वो मुनाजरा कर सकते हैं, यह कोई शर्त नहीं है। अल्लाह ताला के फजल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से 2 फरवरी को बंदा नचीज अपने पैनल के हमरा जामिया अरबिया इमामुल उलूम इंशाल्लाह पहुंचेगा और हजरत किबला इमाम जलाली जीद शरफू के मौकिफ को वाजे करेगा और आले सुन्नत व जमात का जो अकीदा और नजरिया है उसका दिफा करेगा। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है।